स्वागत है आपका अर्थ प्रकाश की खास पेशकश में। बात चुनाव की सोच आपकी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर वार्ड में जाकर लोगों से और वहां की पार्टियों से बात करते हैं और जानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है उसने क्या कार्य करवाए हैं, क्या नहीं करवाए, और अगर नहीं करवाए तो क्यों नहीं करवाए, और आगे आने वाली सरकार वहां पर क्या करवाने वाली है। आज हम मौजूद है राम दरबार में, जहाँ पर हमें कांग्रेस और आपकी तरफ से काफी साथ मिला, मगर बीजेपी कारणवश या एन मौके पर मना कर देने की वजह से नहीं पहुंच पाई। तो अभी हमारे साथ राम दरबार, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले राम दरबार था वार्ड नंबर 23, जो कि मैंने हल्लू माजरा में भी बताया था कि हल्लू माजरा के साथ था, मगर इस बार उसे वार्ड नंबर 19 में तब्दील कर दिया गया है, जिसके अंदर राम दरबार के साथ साथ इंडस्ट्रियल फेज 2 भी शामिल है, और ये महिला वार्ड है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ से कांग्रेस की तरफ से खड़ी हो रही महिला कैंडिडेट कमलेश जी से, और आपकी तरफ से खड़ी हुई महिला कैंडिडेट नेहा जी से, कि उनका क्या कहना है कि बीजेपी ने पिछले 5 सालों में यहाँ पर कौन कौन से कार्य करवाए हैं और कहाँ कहाँ वो विफल रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे कमलेश जी से। नमस्कार मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रकाश टीवी के अंदर। मैम, जैसे पिछले 5 सालों से बीजेपी की सरकार है राम दरबार के अंदर, तो क्या लगता है कि किस हद तक सफल रही है वो सरकार या विफल रही है? देखो मैम, ऐसा है, अगर सफल रही होती आपने कितने कॉल किए उनको, है ना? वो आपका सामना नहीं कर पा रहे तो आप सोचिए कि जनता का क्या सामना कर पाएंगे, इसलिए वो आए नहीं। कितनी बार आपने बुला लिया, कल से आप उनको फ़ोन कर रहे हो, अभी भी आप जब से हम आए हैं देख रहे हैं आप उनको फ़ोन कर रहे, आओ आओ, वो नहीं आ रहे, मना कर जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने काम नहीं किया, जनता यहाँ की परेशान है उनसे। कोई भी काम है उनका, चाहे वो सफाई को देख लीजिए, 1996 में जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार होती थी चंडीगढ़ के अंदर, तब भी राम दरबार के अंदर ऐसे गंदगी के ढेर थे, जगह जगह डस्टबिन होते थे, गायें होती थी, जानवर, गंदगी, हर तरह से, मतलब राम दरबार का नुकसान होता था। आज फिर इतने सालों बाद बीजेपी का राज है ऊपर से लेके नीचे तक, तब फिर वही गंदगी है, सब कुछ वैसा का वैसा ही उन्होंने कर दिया है, गंदगी है, जानवर है, सड़कें टूटी हुई हैं, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मतलब कौन सा काम उनका ऐसा गिना है जो बढ़िया हो रखा है ना, तो इसलिए बीजेपी पूरा फेलियर है हर तरह से। अब चलिए बात करते हैं आपसे, हालांकि आप एक नई पार्टी है चंडीगढ़ के अंदर, अपना पहला कदम रखने जा रही है चंडीगढ़ के अंदर, तो चलिए उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है कि चंडीगढ़ के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है इन सालों से पहले, और आपका मुख्य कारण क्या है चंडीगढ़ के अंदर आने का। चलिए आप बात करते हैं कैंडिडेट से। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका प्रकाश की वीडियो में। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप एक नया चेहरा है चंडीगढ़ के लिए, लोग कम जानते हैं, हालांकि दिल्ली के अंदर आप एक काफ़ी बड़ा नाम है, तो आप बताइए कि जैसे कि राम दरबार के अंदर पहले कांग्रेस भी आ चुकी है, बीजेपी भी आ चुकी है, पर आप नहीं आई अभी तक, तो आप कैसे, मतलब कि किन किन जगह पे आपने फेलियर देखा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों का, और या फिर हम कह सकते हैं कि बसपा का भी, कि आपको मतलब जो आप करेंगी और इन सरकारों ने नहीं किया। सबसे पहले हम राम दरबार की सफाई के बारे में बात करेंगे। जगह जगह देखा जाए तो कूड़े के ढेर, अभी कोरोना टाइम में इतनी गंदगी, जगह जगह गंदगी फैली हुई थी, डेंगू इतना फैला है फिर भी कूड़े के जगह जगह ढेर बढ़े हैं। और दूसरा, हमने बस शेल्टर का मुद्दा उठाया था कि बस स्टैंड पे शेल्टर नहीं है, बच्चे हो बड़े हो, धूप का सामना करना पड़ता है सबको, बारिश का सामना करना पड़ता है, तो ये बस शेल्टर इतने सालों से क्यों नहीं बनवाया जा रहा। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर प्रोटेस्ट भी किया, फिर भी भाजपा को इतनी शर्म नहीं आई कि बस शेल्टर बनवाया जाए। तीसरी हम बात करेंगे डिस्पेंसरी की। डिस्पेंसरी में कोई भी मूलभूत सुविधा हमारे लोगों को नहीं मिल रही, महंगा से महंगा अल्ट्रासाउंड कराने तो बाहर जाए, क्यों नहीं हम एक मशीन यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की लगवा सकते। पार्क की हालत देखें तो पीछे जाके टॉयलेट्स हैं, इतनी गंदी वहाँ पे हालत है कि भाजपा सरकार क्यों नहीं मेंटेनेंस रख सकती अपने वार्ड को, जब लोगों ने विश्वास दिया उनको कि आप लोग हमारे लिए काम कीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं किया। 5 साल हमने पूरे दिए और आज भी आपके सामने की बात है कि आपने उन्हें बुलाया, आज भी वो आए नहीं है, तो ये भाजपा बिल्कुल फेलियर है यहाँ पे, उन्होंने कोई 5 साल में कोई काम नहीं किया। तो चंडीगढ़ में भी इस बार हम चाहते हैं कि बदलाव हो, आम आदमी पार्टी की सरकार लाए, हम साफ सफाई पे ध्यान देंगे, महिलाओं की सुरक्षा पे ध्यान देंगे, तो ये हमारे मेन मुद्दे रहेंगे यहाँ पर। मैम, ये बात तो इतने पिछले 5 सालों की, पर उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस की भी सरकार रही है, भाजपा की भी सरकार रही है, तो आपको क्या लगता है उन सरकारों ने काम करवाए थे या वो भी भाजपा की तरह ही फेल रही है? वो भी फेल रही है। इससे 5 साल पहले बसपा की सरकार थी जन्नत जहाँ, जो कहती थी मैं राम दरबार को जन्नत बना दूंगी, लेकिन उस टाइम भी जगह जगह यहाँ सुअर दिखने लगे थे, जो हमने कभी देखे, सुअर, आवारा पशु, गंदगी, जगह जगह कूड़े के ढेर, तो उन्होंने भी कोई यहाँ पे डेवलपमेंट का काम नहीं किया, जन्नत बनाने के बजाय उन्होंने राम दरबार को नर्क बना दिया। तो मैम, जैसे कि कमलेश जी यहाँ से पहले भी 2 बार जीत
जी 5 बार जीत चुके हैं, ये पार्क वगैरह सभी इन्हीं की देन है, तो उन सब पर आपका क्या कहना है कि सच में जो कांग्रेस पहले थी कि अगर आप नहीं थे यहाँ पे तो कांग्रेस आनी चाहिए थी? उस टाइम तो चलो कांग्रेस का टाइम था, उनके पास सीनियोरिटी थी, सीनियर लीडरशिप थी, लेकिन अगर हम सेंटर में बात करें तो अभी सीनियोरिटी नहीं है, सेंटर लीडरशिप नहीं है उनके पास, तो अभी कैसे कांग्रेस सरकार काम करेगी हम नहीं जानते क्या होगा कांग्रेस सरकार में, लेकिन भाजपा फेलियर है, बसपा फेलियर थी। मैम ऐसे तो आपकी भी सरकार नहीं है सेंट्रल के अंदर, फिर आप ये सवाल फिर आप पे भी उठता है कि आप कैसे काम करेंगे? केजरीवाल जी हैं, उन्होंने हर एक फैसिलिटी लोगों को दी हुई है, लेकिन राहुल गांधी जी को पप्पू के नाम से उनको कहा जाता है, क्यों कहा जाता है ये सब जग जाहिर है, क्यों कहा जाते हैं उनके सिली जोक्स की वजह से। चलिए अब बात करते हैं फिर से कांग्रेस में, हाँ जी सर आपके पास आते हैं, सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बनारसी दास है। सर आप बताइए क्या कहना चाहते हैं जो आपकी तरफ से बयान आया है कांग्रेस के लिए उस पर? मैम मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप पार्टी को बताना चाहता हूँ, ये राम दरबार जिसमें जानवरों की भरमार थी, 96 के अंदर चुनाव हुआ फर्स्ट पहली बारी नगर निगम का, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का राज था, भाजपा का राज था, पूरे राम दरबार में गोबर ही गोबर होता था, कूड़ा ही कूड़ा होता था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, बहुत ज़्यादा संख्या है सफाई कर्मचारियों की, जो शहर में काम करने जाते थे वहाँ से कबाड़ लाते थे, कुछ बेच देते थे, कुछ फेंक देते थे, इतनी गंदगी होती थी पूरे राम दरबार के अंदर, जो हमारे पूर्व मेयर कमलेश जी ने यहाँ पर एक मोहल्ला सुधार कमेटी का गठन किया, मोहल्लों के लोगों से एक एक मोहल्ले की सफाई कराई, हर मोहल्ले में जो जानवरों के कोठे होते थे लोगों ने अपने सहयोग से 400-400 रुपये दिए, अपने आप एक सरकार को दिखाया कि जनता और सरकार कैसे मिलकर काम करती है, और लोगों ने खुद अपने घरों को तोड़ा, सड़कों को चौड़ा कराया, आज आप देख रहे हो राम दरबार की सड़कें शहर के सेक्टरों के जहां 5-5 करोड़ की कोठियां हैं उनसे भी चौड़ी सड़कें राम दरबार के अंदर है, ये किसकी देन है? ये कांग्रेस की देन है, ये पूरा राम दरबार आप देख रहे हो, आप पार्टी बात करती है कि हम मोहल्ला क्लिनिक खुलवाएंगे, कांग्रेस ने यहाँ पर सरकारी डिस्पेंसरी लायंस क्लब की मदद से ताकि लोगों को सस्ती दवाइयाँ मिले लायंस क्लब से, और एक डिस्पेंसरी और है जो एनजीओ चला रही है, 3-3 मोहल्ला डिस्पेंसरियां यहां कांग्रेस ने चालू करवाई थी। उसके बाद आपने देखा बस स्टैंड, ये बस स्टैंड लोग ये कहते थे कि किसी महिला ने 16 सेक्टर जाना हो तो डिलीवरी तो बस में ही हो जाएगी, इतने मिट्टी होती थी यहां पर, ऊंचा नीचा होता था, कोई पक्की पार्किंग नहीं थी, बस अड्डे की पार्किंग बनवाई, यहीं पर टॉयलेट ब्लॉक बनवाया और बस क्यू सल्टर बनवाया, जो आज भाजपा के राज में आप पार्टी ने भी धरना दिया, हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन भाजपा अपने इतने घमंड में है कि जनता की सुविधा को बिल्कुल नहीं देख रही है। हालांकि सर अभी भाजपा अभी अभी मैम एक बात और है, अभी आप पार्टी में हम देख रहे हैं कहती है 2000 लीटर पानी देंगे, जब दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं होता तो कहते LG हमारा नहीं सुनता, तो क्या नगर निगम के ऊपर यहाँ भी तो एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, लोकल बॉडी सेक्रेटरी बैठे हैं, वो नगर निगम पास करने के बाद भी नहीं हो पाएगा, तो जिस तरीके से मोदी ने जुमला दिया कि 15 लाख देंगे नगर निगम के इलेक्शन में, जुमला दिया सबको फ्री में मकान देंगे, उसी तरह से आप पार्टी भी यहाँ जुमले पे आ गई है, आप पार्टी भी जुमला ही दे रही है, ना तो नगर निगम के अंदर बिजली आती है, ना तो बिजली आती है नगर निगम के अंदर, और ना पानी जो आता है, आपने देखा होगा भाजपा ने रेट बढ़ाए, कांग्रेस ने भारी विरोध किया, गिरफ्तारियां दी, उसके बाद भाजपा ने रेटों को वापस लिया लेकिन प्रशासन ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो आप पार्टी कैसे कर लेगी? यहाँ आपका राज नहीं है, ये राजधानी नहीं है, ये विधानसभा नहीं है, यहाँ सिर्फ नगर निगम है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप बात करती है हमारे पड़ोसी राज्य, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे पंजाब लगता है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की सरकार ने वह ऐलान कर दिया है और कर दिया है, ऑर्डर कर दिए हैं कि 50 रुपये आएगा, तो इनकी तो यहाँ कोई सरकार नहीं है ना, आप पार्टी की कोई सरकार नहीं है, सिर्फ लोगों को जुमला दे रहे हैं, बाद में कहेंगे जी हम क्या करें, इनके काउंसलर जाके वहाँ धरना देंगे जी गवर्नर साहब नहीं कर रहे, जैसे दिल्ली में करते हैं ड्रामा कि LG हमारी नहीं सुनता,
जब तुम्हारी अपनी वहां है, हर बात में कहते जी एलजी हमारी नहीं सुनता, तो चंडीगढ़ में इनकी कौन सुनेगा? तो ये भी मोदी की तरह जुमले दे रहे हैं और कुछ नहीं है। सर चलिए अब आम लोगों से बात करते हैं। सर कांग्रेस ने बोल दिया कि कांग्रेस ने ये करवाया, अब तो अभी ये भी आप कांग्रेस के हिसाब बोल रहे हैं, तो चलिए आपसे ही बात करते हैं। आप कि मैम ये बोल रहे हैं जुमले देते हैं कि मतलब आप जैसे दिल्ली में भी देखा कि काफी बार दिक्कतें हैं, केजरीवाल जी ने खुद ने भी बयान दिए हैं कि बीजेपी हमें सपोर्ट नहीं करती, तो इस वजह से हम दिल्ली में इतने कार्य नहीं करवा पाए, तो वो दिक्कत, हालांकि उन्होंने भी सही बात कही कि ये दिक्कत तो यहाँ भी आ सकती है, तो यहाँ पर आप उन दिक्कतों से कैसे लड़ेंगे? देखो मैडम, मेरा नाम आशा दलीप कुमार, मैं दलीप कुमार की वाइफ हूँ। वो सप्ताह में न रहते हुए भी डिस्पेंसरी में डॉक्टर बुलाए हुए, आज वो इस दुनिया में नहीं है, 20 फरवरी को उनकी डेथ होगी है, ठीक है। और मेरे कुछ कागज रहते हुए मैं आगे नहीं आ रही, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, मैं इसको आगे ला रही। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि दिल्ली में जब काम हो रहे हैं, जब दुनिया हमारे लिए कह रही है भी आप आगे बढ़ो हम आपके साथ है, जब केजरीवाल जब दिल्ली में काम करवा सकते हैं, क्या यहाँ चंडीगढ़ में नहीं काम हो सकते? जब दुनिया हमारे साथ होगी तो सारे काम होंगे। अब हम मानते हमारी नई पार्टी है, ठीक है, जब केजरीवाल जी जब दिल्ली में हो सकता है काम, क्या यहाँ नहीं हो सकता? हम घर घर जा रहे हैं, दुनिया कह रही है भी बदलाव, अब की बार बदलाव, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। चलिए बात करते हैं कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर से कि आपने ये बात बोली कि कांग्रेस कैसे लाएगी, क्योंकि कांग्रेस हालांकि जैसे सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस पंजाब में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही है कांग्रेस को, कि चलो डेवलपमेंट करवाएं, पर शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल दिखती नजर आ रही है पंजाब के अंदर। जैसे पीछे पीटी के टीचर्स का इतना धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिससे आम नागरिकों को भी इतनी परेशानी हो रही है, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम हरी सिंह गुसाई है जी, और मैं यहाँ 1979 में हम यहाँ राम दरबार में आ गए थे। 1979 में यहाँ पर इतनी बुरी हालत थी, हमारे को नीचे का नींव डाल के दे दिया गया था, और उसके बाद हमारे को तब जाके कहा था कि मकान बनाओ, तो इस मकान बनाने के बावजूद हमने इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया, और गवर्नमेंट ने हमारे साथ पूरा सहयोग दिया, तो हमने एक एक कमरा बनाया था। उसके बाद मैडम हमने जो भी कार्य किया है वो सरकार के सहयोग से किया है, और कांग्रेस ने करवाया है, कांग्रेस ने ही हमारे को जहाँ तक यहाँ तक पहुँचाया, वो कांग्रेस ने पहुँचाया। आज हमारे को बैठने के लिए, हमारे बच्चों को खेलने के लिए यहाँ पर ग्राउंड बनाया है, गाँव घर घर में ग्राउंड बना रखे हैं, और हर एक चीज़ की सुविधा कांग्रेस ने हमारे को दी है। हम तो कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और कमलेश जी का जिन्होंने 1996 में चुनाव जीत कर यहाँ पार्षद बनी थी, तो उस टाइम उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी कि हम राम दरबार को चंडीगढ़ का एक अमूल्य शहर बनाएंगे, जिस तरह सेक्टरों के वातावरण है उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ माहौल बनाएंगे। इसलिए हम तो मैडम को हम यही कहेंगे कि भाई अब कांग्रेस को जीतना चाहिए। मैडम ये देखो वहाँ वो कूड़े के ढेर देखो, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ना कि यहाँ जो कोई देखने के लिए आता है या घूमने के लिए आता है, तो ये कोरोना करके यहाँ पर कोई आने के लिए तैयार नहीं होता। सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। सर जैसे कि कांग्रेस अपने कार्य गिला रहे हैं कि कमलेश जी के सरकार के अंदर पार्क बनाया गया, इतना कार्य करवाया गया राम दरबार में कांग्रेस की तरफ से, तो फिर क्या वजह रही कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस अपनी सरकार ही नहीं ला पाई राम दरबार के अंदर? मेरा नाम चौधरी ताराचंद है मैडम जी, और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ का कारण क्या हुआ था। जब यहाँ इलेक्शन हुए, यहाँ पे मोदी साहब ने एक स्कीम छोड़ी थी कि 100 रुपया जमा कराओ और आपको मकान मिलेंगे। यहाँ पे ज़्यादातर जो अल्लू माजरा और फैदा का एरिया है उसमें किराएदार ज़्यादा हैं, जो लोग हैं वो लालच में आ गए मोदी सरकार के बीच में आ गए, क्योंकि झूठ खिलाफ बोलना बीजेपी का काम है, इसलिए लोग उनके लालच में आ गए हैं। और दूसरा नंबर ये है कि अभी भी पीछे इन्होंने 100-100 रुपया जमा करा के लोगों को लालच दिया, और 15-15 लाख रुपए का पहले लोगों को लालच दिया। ये बीजेपी सरकार झूठ खिलाफ के अलावा कुछ बोलती नहीं है। और जो यहाँ पे स्कूल है, जो कहते हैं ना कि स्कूल नहीं है, यहाँ पे पहले थोड़ा स्कूल होता था, मुमली यहाँ ग्राउंड में पढ़ाते थे। जब मैं यहाँ पे आया था उस टाइम ग्राउंड में टीचर बैठते थे, मैडम ने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाया, हाई स्कूल बनाया, मॉडल स्कूल बनाया। ये कांग्रेस के राज में है,
जो आज देन है वो कांग्रेस की है। कमलेश जी के राज में जब ये यहाँ 1996 में बनी तो यहाँ पे लोग अंदर आना नहीं चाहते थे राम दरबार के अंदर, और मुंह पे कपड़ा लेके ना बदबू इतनी आती थी कि अंदर आना कोई बाहर का बंदा पसंद नहीं करता था। लेकिन इन्होंने आके सारी जितनी भी सफाई करी, और ये सारी देन कांग्रेस की है। श्री पवन कुमार बंसल जी ने अपने फंड में से पैसा दे के इसका सहारा लिया और काम यहाँ पे काम हुए हैं। सर ये बात तो मान ली कि बीजेपी ने जो, हालांकि ये सब बात कई जगह पे उठाई गई थी कि 100 रुपए दे के मकान बनाओ, मगर मकान बनाओ नहीं, मकान देंगे 100 रुपए भी लिए। सर वो चीज काफी जगह पे नकारी गई है बीजेपी की तरफ से कि हमने ऐसा कोई भी ऐलान नहीं किया था। सबूत है, सबूत है, ऑनलाइन है, रसीदें हैं, लोगों के पास रसीदें हैं। बीजेपी वाले नहीं मैम, काफी जगह पे ये बात सामने आई है। हमने हाउसिंग बोर्ड में जमा हो गए 2,60,000 फार्म जमा हुआ हाउसिंग बोर्ड में, 2,60,000 फार्म जमा कराए, 6 लाख वोटरों में से 6,90,000 अब वोटर हुए हैं उससे कम थे। 6 लाख वोटरों में से लगभग 3 लाख लोगों के तो फार्म भर दिए इन लोगों ने, झूठ बोला, लोगों से पैसे भी ले लिए, लोगों को मकानों का पैसे भी कमा लिए, पैसे भी ले लिए, वोट भी ले लिए, धोखा भी दे दिया। क्या दिया बीजेपी वालों ने? और दूसरी बात ये राम दरबार के अंदर क्या काम हुए? एक मिनट रुको, देखो किसी भी चीज को ये था वो राम दरबार, ये पार्क था, ये जगह यहाँ पर राम दरबार में ये डंपिंग यार्ड था, एक किस्म का डंपिंग ग्राउंड था, पूरा राम दरबार का गंदा आता था यहाँ पर, कूड़ा गिरता था, कोई खड़ा होना क्या यहाँ पर देखना भी पसंद नहीं करता था। जो कुछ भी जितना भी अच्छा हुआ है वो मैडम के राज में हुआ है, उसके बाद किसी ने कुछ भी नहीं किया, सब आए मुंह लगाकर चले गए। फिर क्या कारण था कि पहले बचपा आई, फिर बीजेपी आई, 10 साल तक कांग्रेस आई नहीं इतना काम करने के बावजूद। एक मिनट क्या कारण था, 96 में हम लोग आए, फर्स्ट टाइम आए, इलेक्शन लड़ा, जीता, और यहाँ की फुल डेवलपमेंट हुई, चाहे सड़कें, चाहे पार्क, चाहे पार्किंग, चाहे मार्केट में पार्किंग नहीं होती तो वो लाइटें वाइटें सब कुछ स्कूलों का मतलब भी। राम दरबार में तो ये हालत था राम दरबार का नाम, यहाँ के बच्चों को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं मिलती, यहाँ के बच्चों को एडमिशन दिलानी हो तो शहर में से किसी का नाम लेना पड़ता था कि मेरा एड्रेस यहाँ पर, तब जाके मकान एड्रेस देना पड़ता तब जाके उनको यहाँ पर एडमिशन मिलती थी। और उसके बाद हमने यहाँ एडवाइज़र को कह के हमने स्कूल बनवाया, तब उन्होंने ये कहा मैडम कॉलोनी के बच्चे कहाँ मॉडल स्कूलों में पढ़ सकते हैं, यहाँ के बच्चे नहीं मिलेंगे हमें, आप बच्चे कहाँ से लाएंगे। मगर मैडम आप हमारे स्कूल को मॉडल करो, चाहे आप नर्सरी से शुरू करो, मैं 12 साल इंतजार करूंगी राम दरबार के लिए, एक दिन मेरा स्कूल यहाँ पर 12वीं तक मॉडल स्कूल होगा। हुआ क्या, जब हमने एडमिशनों की बात करी, यहाँ लोगों को हमने कन्वेंस किया कि आओ अपने बच्चों को एडमिशन दिलाओ, यहाँ बच्चों ने एडमिशन ले ली, इतने लोग आगे आ गए कि मुझे फिर 31 सेक्टर के प्रिंसिपल को फोन करना पड़ा भाई तेरे स्कूल को मॉडल बना दो क्योंकि मेरे यहाँ के बच्चों को जगह पूरी होगी। तो आज हमारा स्कूल चंडीगढ़ का पहला स्कूल था जो राम दरबार के अंदर कॉलोनियों का पहला स्कूल था जिसको हमने मॉडल बनाया, और उसके बाद कंसेप्ट चल गया चंडीगढ़ के सारे स्कूल, कॉलोनियों के सारे स्कूल मॉडल स्कूल हो गए। ये सिर्फ राम दरबार से शुरुआत हुई थी, और कॉलोनियों के अंदर कभी किसी नक्शे में भी पार्क नहीं होते। आज भी आप देख लो सिर्फ 2 जगह पार्क है चंडीगढ़ के अंदर कॉलोनियों में, एक राम दरबार, दूसरा डड्डू माजरा, तीसरा बापू धाम, वो भी मैं रख के आई थी सबका नींव पत्थर, और मैं बना के आई थी और जगह नहीं, क्योंकि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो लोग हैं उनकी सोच ही नहीं है कि कॉलोनियों वालों को क्या सुविधा देनी है। जब मैं यहाँ आई थी एक पत्रकार भाई था ट्रिब्यून का, आप मेरे पास आया, कह रहा मैडम जी इन्ने बुरे इलाके से तुम रहने हो, मैंने तो देखो 1 लाख रुपया देवे नाल पैसा दे, मकान फ्री देवे, 1 लाख रुपया देवे, राम दरबार से ये लोगों का कहना था पैसे देंगे तब भी नहीं हम रहेंगे यहाँ पर। तब मैंने उनको कहा एक दिन ऐसा कर दूंगी राम दरबार के अंदर तू पैसे लेकर घूमे अगर तेरे को मकान भी मिल जाए तो, और वो ही हमने किया। और आज यहाँ पर लोगों के मकानों की कीमतें देखो कितनी कितनी हो चुकी है, जहाँ यहाँ फ्री में कोई लेने को तैयार नहीं था, क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ हुई है, सड़कें, बिजली, पानी, ये ऑन रिकॉर्ड नगर निगम के। मैं पहली बार जब लड़ी थी ना इलेक्शन तब यहाँ हमारे कांग्रेस से कोई नहीं था, सिर्फ कल्ली जीत के गई थी, कल्ली जीतने के बावजूद भी पूरे चंडीगढ़ के अंदर हमने काम करके दिखाया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमारे अंदर कल्ले में ही सामर्थ्य इतना है कि हम कुछ भी बदल सकते हैं। राम दरबार को बदला, डड्डू माजरा को बदला, पिंडों के अंदर कहते हैं लोग गलियां नालियां बंद नहीं हो सकती, हमने वो भी करके दिखाया। टोपे कभी गाँव के अंदर बंद नहीं हो सकते, हमने वो बंद करके उसको झील का रूप दिया। चंडीगढ़ के अंदर पहली ऐसी जगह बनाई जिसके अंदर फ्लोटिंग फाउंटेन, जबकि सुखना लेक में भी फ्लोटिंग फाउंटेन नहीं थे। हमारा देखने के बाद ही फाइनेंस सेक्टरी ने सेक्टर 43 के अंदर सुखना लेक बनाई। अब आपने पूछा कि क्या कारण है, इतने काम होने के बावजूद यहाँ पर कांग्रेस नहीं जीत, नहीं उसका कारण है
क्या कारण था? एक तो रिजेंटमेंट थी कि मुझे यहाँ से डुडुमाजरा भेज दिया गया, लोगों के अंदर नाराज के थे। उसके बाद यहाँ क्या हुआ, जब ये जनरल सीट हुई, जब जो बीएसपी से लोग आए वो, जब ये जनरल सीट हुई क्या हुआ, सारे कैंडिडेट बाहर के थे, चाहे बीजेपी का कैंडिडेट बाहर का था, कांग्रेस का बाहर का था, और बीएसपी का भी बाहर था। लोगों के पास ऑप्शन ही कुछ नहीं थी, ठीक है, लोगों के पास ऑप्शन कुछ नहीं थी, इस करके सेकंड टाइम पे कांग्रेस नहीं आई। अब थर्ड टाइम के अंदर इन्होंने मकानों का लालच दे दिया, नौकरियां देंगे, झूठ बोलने में तो मोदी जी की पूरी सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक माहिर है, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमने तो करके दिखाया है। और दूसरी बात रही है, एक हम कांग्रेसी ऐसे हैं, ऊपर कौन बैठा है नीचे कौन बैठा है हमें कोई लेना देना नहीं, हम कांग्रेसी वो हैं, अपनी सरकार के बीच में भी हमने धरना दे के रामदार के लिए काम करा, किसी के माइके लाल में हिम्मत है अपनी पार्टी के खिलाफ बैठ जाए, है कोई कोई बैठे नहीं आते ना बैठ सकता है, हमने वो करके दिखाया है उसको, पैसे देकर नोट खरीदे हैं, हमने यहाँ पर 5 पैसे नहीं किसी को दिए, पैसे देकर वोटिंग क्यों की है, उनकी वोटिंग रद्द कर दी जाए ना। लोगों को झूठ बोलने से अच्छा है लोगों को बरगलाना नहीं चाहिए, क्योंकि एक ही सीट है ना, बरगलाना नहीं चाहिए, सच है वो करके दिखाओ, हमने करके दिखाया, अपने आप को स्थापित करके दिखाया कि कांग्रेस का नाम यहाँ से चला। कारण क्या रहता है कि अब जो नई जनरेशन है, मैं किसी का वो नहीं कहती, जो पुराने लोग हैं उनको तो पता ही भी कांग्रेस का क्या क्या हमने काम करा है, जो नई जनरेशन है उन्होंने देखा ही नहीं, तो उनको तो दिखा ही नहीं कि गंदगी क्या चीज होती थी, तो वो लोग कैसे मालूम, उनको क्या मालूम कि क्या गंदगी थी, क्या हमने करा क्या नहीं करा। आज ये पूरा कॉलोनी है, राम दरबार है, और भी सेक्टर है, किसने बसाया? कांग्रेस ने बसाया, कांग्रेस की ही पॉलिसियां हैं रिहैबिलिटेशन की। आज जो स्कूलों से पढ़कर आ रहे वो कांग्रेस के ही हैं, जिन हॉस्पिटल में जाके वो करा मेडिकल अपना चेकअप कराते हैं वो कांग्रेस के ही हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं ये भी कांग्रेस का ही है। कौन कह सकता है कांग्रेस को नहीं, ठीक है लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव हो गया जितने लिया, लेकिन ये नहीं है कांग्रेस के राज में, कांग्रेस ने ही जो है वो किया है, और आगे भी कांग्रेस है जो इनके साथ खड़ी है। ये रामदरबार मेरा परिवार है, हम परिवार के बीच में खड़े, परिवार साथ देता है, आगे भी दिया अब भी देगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगी मैम आपसे कि कांग्रेस काफी ज्यादा मजबूत है राम दरबार के अंदर, जैसा कि हमने देखा भी लोगों का भी काफी है, और आप बिल्कुल नहीं है, तो कि मतलब आप कैसे ये दावा कर सकते हैं कि आप सरकार में आएंगे, जो मतलब पकड़ है नहीं है आप में, आपकी अभी ना चंडीगढ़ में इतनी पकड़ है ना फिर पंजाब में हम कह सकते हैं, तो राम दरबार के अंदर क्या आपको लगता है कि आप जीत पाएंगे? क्यों नहीं जीत पाएंगे? एक टाइम पे कांग्रेस भी तो नहीं होती थी ना, उसके ऊपर भी तो लोगों ने ट्रस्ट किया है, तो हम पे भी नहीं कर सकते पहले तो ये बताओ, और जब दिल्ली में इतना काम हुआ है तो चंडीगढ़ या राम दरबार में क्यों नहीं हो सकता है? हम ये चीज दावा करके चल रहे हैं कि जो दिल्ली में काम हुआ है वो सारे हम यहाँ करके दिखाएंगे। दिल्ली की घर घर में जाके आप पता कर सकते हो कि वहाँ पे लोग कितने सुखी हैं, केजरीवाल जी के राज में कितने सुखी हैं। मैम ये तो माना, पर दिल्ली में जब सीएम केजरीवाल है तब भी दिल्ली के अंदर इतनी दिक्कतें आ रही है कामों को करवाने में या करने में, कि केजरीवाल जी को खुद को धरनों पे बैठना पड़ रहा है कि हमारा दिल्ली में काम हो जाए। चंडीगढ़ तो बस एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी है, अगर उसके अंदर आप आ भी जाती है तो बीजेपी, जैसे कि हर बार इल्जाम लगता है कांग्रेस की तरफ से भी, आपकी तरफ से, कि बीजेपी हमें काम नहीं करने देती, तो अगर बीजेपी आगे नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो फिर आप ये तो बहाना फिर आपका अगले मतलब जब तक रहेंगे तो ये बहाना तो फिर यहाँ पे भी लागू हो जाएगा कि चंडीगढ़ के अंदर हम क्या करें, ऊपर बीजेपी है तो हम यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। देखिए दिल्ली में क्या है, दिल्ली सरकार के अंडर एक और उन्होंने एलजी बैठा दिया, जो कि एलजी भाजपा बैठा थी, वहाँ एमसीपी नहीं है दिल्ली के पास। इस बार इलेक्शन होगी शायद हमारे पास वो भी आ जाएगी, जो सारी दिक्कतें वो खत्म हो जाएगी। जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, हम यहाँ पर अपना मेयर बनाएंगे, हम इतनी अच्छी कंडीशन में है कि यहाँ मेयर बना लेंगे। आने वाले टाइम में आप देखोगे रिजल्ट आएगा, शायद हम दोबारा मिले तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा मेयर बनाएंगे। और हमने जो जो भी वादा किया है, एक एक वादा एक एक करके पूरा करेंगे। मैडम ने, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छा काम कमलेश जी ने किया होगा, उस टाइम हमें नहीं पता था क्या था, हम बहुत सारे छोटे रहे होंगे, लेकिन पिछले 10 सालों में जो हालात राम दरबार के बस से बदतर हुए हैं, 5 साल खा गए अपना जन्नत जहाँ जी खा गए, कोई भी काम नहीं कराया, सड़कें टूटने वहाँ से स्टार्ट हुई, भाजपा ही भाजपा ने तो बस से बदतर हालात कर दिए हैं, रोड टूटी पड़ी हैं। इन्होंने रोड बनाया था एक यहाँ पर अपना मंडी ग्राउंड से एंट्री के टाइम पे, इन्होंने बोला 25 साल तक कुछ नहीं होगा, 10 दिन बाद ही वो रोड टूट गई। हमने उस पर धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको यहाँ से इलेक्शन नहीं लड़ना था। तो ये सब चीज़ें हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी अच्छी फाइट देगी, बहुत अच्छी फाइट देगी, यहाँ मेयर बनेगा जरूर आम आदमी का। एक ही सवाल होता है कि अगर आप नहीं तो कौन, हर बार ये सवाल पूछा जाता है बीजेपी से, पूछा जाता है कि अगर आप नहीं जीतते तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार यहाँ पे अच्छा काम
बीजेपी के, हालांकि आप अगर आप नहीं जीतते तो आप क्या चाहते हैं कि राम दरबार के अंदर, हालांकि आप जीतेंगे आपको ये पूर्ण विश्वास है, मगर अगर 19-20 होता है आप नहीं जीत पाते तो आपको क्या लगता है कि आपके अलावा कौन एक ऐसा अच्छा कैंडिडेट है यहाँ पर राम दरबार का जो सही में राम दरबार का डेवलपमेंट कर सके? इतने दिनों में तो कोई दिखा नहीं फिलहाल, अगर होता तो राम दरबार की हालत ना होती, बस से बदतर हो चुके हैं। यहाँ हम जीत रहे हैं इसका पूरी उम्मीद पूरा भरोसा है, लोग आम आदमी पार्टी के साथ में हैं, लोग आम आदमी पार्टी पे भरोसा करते हैं, क्योंकि दिल्ली में केजरीवाल जी ने जो जो वादे किए सारे वादे पूरे किए हैं। जो मेन सुविधाएं हैं वो केजरीवाल मेन सुविधाओं पर ध्यान देता है, जो हुआ क्या हुआ कुछ पीछे का मुझे नहीं पता क्या था, लेकिन जब से मैं देख रहा हूँ तब से बद से बदतर हालात राम दरबार की होती जा रही है। सर जैसा कि इन्होंने बोला कि अभी तक इनको एक कैंडिडेट ही नहीं दिखा, अभी तक इनको एक कैंडिडेट ही नहीं दिखा सिवाय आपके कि जो यहाँ पे राम दरबार में करा सके डेवलपमेंट, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैडम जी डेवलपमेंट की तो सारी बात कॉलोनी के अंदर एक आपसी भाईचारा है, यहाँ डेवलपमेंट की कोई बात नहीं, राजनीतिक लेवल की बात है, तो उसके अंदर कैंडिडेट अब आप है ना यहाँ चेहरा है, मेहनत करेंगे दिलाएगी। कांग्रेस है इन्होंने करके दिखाया है, और कांग्रेस डड्डू माजरा में पहली महिला कैंडिडेट थी कांग्रेस की, जो सीट भी निकाली थी, और डड्डू माजरा भी चमकाया, राम दरबार को नरक से स्वर्ग बनाया, जहाँ आप खड़े हो यहाँ आप खड़े नहीं रह सकते, कितनी गंदगी थी। सर यही सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कांग्रेस हाल फिलहाल 19-20 हो जाता है कभी कभार, अगर नहीं जीत पाती तो क्या जो आज जैसे कांग्रेस आप पर भी हमला कर रही है कि आप नई सरकार है उनके ऊपर कोई वजूद नहीं है चंडीगढ़ के अंदर, तो हालांकि 5 साल आपको भी काम ही करवाने हैं राम दरबार के अंदर, और हालांकि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं आती तो हमें सपोर्ट करना चाहिए कि ये होता है कि कई जगह पे हमने देखा है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करके काम करवा देती है, तो अगर आपकी जगह आप आती है तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे या कि हाँ भाई हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम पहले से यहाँ हैं, आप नई पार्टी यहाँ सत्ता में आई है तो हम इनको सपोर्ट करके काम करवाएं क्योंकि हम राम दरबार के ही लोग हैं? मैम ऐसा है, हम सभी पार्टियों के साथ हैं, जो राम दरबार का विकास कराएगा, हम राम दरबार से गंदगी हटाएगा, हम सभी के साथ हैं, बस जुमलों के साथ नहीं है, एपीसीडी कोई पार्टी हो हम सभी पार्टी के साथ है, राम दरबार का विकास होना चाहिए, हमें अपने घर के विकास के लिए हम सबके साथ हैं। दूसरी बात ये है कि ये राम दरबार के अंदर 4500 मकान हैं, किरण खेर जी यहाँ पर आए, बड़े बड़े मालाएं डाली गई और उन्होंने कहा कि ये मकान आपके नाम हो गए हैं, रजिस्ट्री कराओ। आज भाजपा का एक कार्यकर्ता आके मुझे दिखा दे कि मैंने मेरी किरण खेर ने ये रजिस्ट्री करा दी है, और हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन भी यहाँ पर आया था होली मिलन कार्यक्रम में, वो भी घोषणा करके गया था बीजेपी के राज में, अभी तक एक आदमी को रजिस्ट्री करके नहीं दी गई है, जबकि सेक्टरों के अंदर हमारे बनाए हुए और मरबा पड़ा हुआ है हमारे घर के आगे, और हमने ही बनाए तोड़ के खिंडा के चले गए उनको, अभी तक ये बीजेपी के राज की बात है, ये बीजेपी का राज है, फर्स्ट बोल एकदम खुल के बोल दो बोलो, कांग्रेस का राज है, कांग्रेस ने तो इतना कुछ करा भी है, बीजेपी ने कुछ नहीं। मैम जैसे आप नई पार्टी आई है तो आपको लगता है कि आप यहाँ पर कुछ कर पाएगी अगर जीती तो? अब पता नहीं, सुनने में तो आ रहा पर ये तो कोई पता नहीं क्या होएगा क्या नहीं। आप कांग्रेस ने करा, कांग्रेस ने तो किया है, जहाँ खड़े हो ये कांग्रेस का ही किया हुआ है। चलिए तो जैसा कि हमने देखा कि राम दरबार ने आप या कांग्रेस दोनों की तरफ से काफी मजबूत रखी जा रही है, तो आइए बात करते हैं एक और कांग्रेस के नेता से कि क्या कहना है उनका। सर आपका नाम? हमारा नाम गया प्रसाद है, वैसे सेक्रेटरी सब कहते हैं लेकिन मेरा नाम गया प्रसाद है, इस कॉलोनी को बसाने वाला मैं ही हूँ, एक पहला नंबर, ना मैं किसी को प्रधान को माना ना कोई किसी को माना, लेकिन अपनी कमेटी बना के रजिस्ट्रेशन करवा करके इस कॉलोनी को यहाँ पर मैं ही लाया हूँ, जो कि पहले काम जो हो गया कांग्रेस के राज में जो काम हुआ है वही काम हुआ है, भाजपा के राज में जो हमारे घर में नमक वो भी खाने को नहीं रह गया, और कहाँ तक बताओ, ये हाल है हमारा लोगों का, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं, हमारे कट्टर कांग्रेसी है, कांग्रेसी रहेंगे, हमारी पूरी कॉलोनी जो है कांग्रेसी है, इसमें कोई भाजपा या किसी पार्टी का आदमी नहीं मिलने जा रहा है।
थैंक यू सर। तो जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे कांग्रेस और आपकी तरफ से काफी मजबूत दावेदारी रखी जा रही है राम दरबार के अंदर, हालांकि बीजेपी इस डिबेट का हिस्सा नहीं बन पाई, तो बीजेपी की तरफ से क्या कहना है ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा, मगर कांग्रेस और आपका राम दरबार के अंदर काफी ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।